फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हाशिम नवाज के बारे में। तो हाशिम नवाज की फरासत तनीस के साथ जो एल्बम आने वाली है तजादत, तो इस एल्बम के बारे में शाहरुख की स्केच बुक का कहना, आई एम लकी इनफ टू हैव लिसन माई ब्रोज अपकमिंग एल्बम प्री रिलीज एंड आई मस्ट से द डीएचएच कम्युनिटी एंड रेडी फॉर दिस मास्टरपीस दैट्स अबाउट टू ड्रॉप दिस ट्यूजडे मेक मी फील सो प्राउड एज अ ब्रदर। तो इसका रिप्लाई करते हुए फरासत तनीस का कहना, मैन हिमसेल्फ सैड इनफ। तो वो बात कर लेते हैं रैप डीमन के बारे में। तो रैप डीमन का एक पोस्ट करते हुए कहना, माई लास्ट टू ब्रेन सेल्स ड्यूरिंग मॉर्निंग रिकॉर्डिंग सेशन न्यू म्यूजिक आउट सून एंड रैप डीमन ने अपने अपकमिंग ट्रैक का कुछ ऐसा स्निपेट भी शेयर किया है। तो वो बात कर लेते हैं तला अंजुम के बारे में। तो मुरू का तला अंजुम के साथ जो ट्रैक ड्रॉप हुआ है शोर, तो इससे रिलेटेड मुरू ने कुछ पुराने ट्वीट शेयर किए हैं जिसमें वो तला अंजुम से कोलैब करने की बात करते हैं। तला अंजुम का कहना, जैद अली बेस्ट व्लॉगर, हम पागल हैं मुरू के सारे व्लॉग देखते हैं, मतलब कोई शर्म होती है ब्रो। तो इस पर मुरू का कहना, अरे भाई ये सब छोड़ो मेरे साथ कोलैब करो। तो वो बात कर लेते हैं कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में एमिवे के साथ बीफ के बारे में बात की है। तो इतने शांत आदमी का एमिवे से क्या पंगा हुआ था? सम बीफ? ये सिर्फ प्रोफेशनल लेवल तक ही लिमिटेड रहता है या पर्सनल लेवल पर भी उतर आता है? नहीं, पर्सनल लेवल पे तो होता ही है। अगर आप किसी को कुछ बोलोगे, आप किसी को कुछ गाली दोगे, आप किसी के बारे में कुछ बोलेगा, वो थोड़ी बोलेगा कि हाँ बस गाली गाने में दिए अब उसके बाद हम दोस्त बन जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। वो तो ऑब्वियसली इट सीप्स इनटू रियल लाइफ। डिड यू टेक इट रियली पर्सनल? एंड आई डोंट टेक इट, आई फील लाइक ऑन सम लेवल मैंने ये जितना भी किया, जो भी किया, मेरे जितना बीफ हुआ, इट्स नॉट ओनली हिम, हूएवर आई हैड बीफ विद, आई हैव द एबिलिटी टू स्विच ऑफ, आई कैन स्विच ऑफ एंड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिबटल और द रिप्लाई और व्हाटएवर, यू नो, इट इज वन अपमैनशिप एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर वो फोकस है देन यू आर नॉट टेकिंग इट टू हार्ट, बट देर आर, एवरी वन टेक्स इट टू हार्ट। लाइक आई वुड से अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीफ हैव टेकन इट टू हार्ट, एंड व्हेन यू टेक इट टू हार्ट दैट्स व्हेन यू, आई वुड से दैट्स व्हेन यू लूज। इसके अलावा कृष्णा से पूछा गया है, आप एमिवे को माफ कर सकते हैं? तो कृष्णा ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया है, आर यू फॉरगिविंग? नो, यू नॉट? नो, हैव यू फॉरगिवन एमिवे? आई डोंट नीड टू फॉरगिव हिम, आई हैव नो, आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। सो तो नेक्स्ट अपडेट जोखे के बारे में है। तो कल वाईएस का एक शो था जहां स्टेज पर डीनू अली जोखे से मिले हैं। तो डीनू अली का जोखे के साथ एक पिक्चर शेयर करते हुए कहना, जोखे एंड मी चिलिंग ऑन स्टेज। तो वो अब बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह के लव डोज ट्रैक का पार्ट टू आने वाला है। हनी सिंह का उर्वशी रुतेला के साथ एक पिक्चर शेयर करते हुए कहना, शी इज हेयर फॉर द सेकंड डोज, आर यू रेडी, एंड दिस ट्रैक रिलीजिंग ऑन दिस 15 मार्च। इसके अलावा तैमूर बेग का एक पोस्ट करते हुए कहना, टेल मी नॉट टू डू समथिंग एंड आई विल डू इट ट्वाइस एंड टेक पिक्चर्स। इसके अलावा मिस्टर मानी समी मेरी और शोकी का एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है, ट्रैक का नेम है प्यार कहानी। मुनाव माने का भी एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है, ट्रैक का नेम है बोलो। एंड एमिवे की होल हार्टेडली एल्बम का सेकंड ट्रैक सब कुछ ड्रॉप हो चुका है फीचरिंग फ्लोबो एंड यंग गालिब। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।